टमाटर को लाल करने के लिए किया जा रहा है केमिकल का प्रयोग। रंगरा में टमाटर को लाल करने के लिए केमिकल का प्रयोग करने का गोरख धंधा परवान पर है। अभी टमाटर का मौसम है, लेकिन बाजारों में मिलने वाला टमाटर आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल सकता है, क्योंकि यहां के बाजारों में मिलने वाला टमाटर केमिकल युक्त रहता है। यह मामला रंगरा थाना क्षेत्र के मंदरौनी गांव का है, जहां के किसान अवधेश कुमार द्वारा बाजार में ज्यादा कीमत पाने की चाहत को लेकर हरे टमाटर को केमिकल से लाल किया जा रहा है। केमिकल के प्रभाव से हरा टमाटर लाल हो जाता है। किसान की माने तो केमिकल के प्रभाव से टमाटर की खूबसूरती बढ़ती है और इसके कारण बाजार में टमाटर का दाम भी ज्यादा मिलता है। इस मामले में जानकार तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर अशोक कुमार झा ने कहा कि निश्चित रूप से टमाटर को लाल करने के लिए इथेफोन नामक केमिकल का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मनुष्य के लिए बेहद खतरनाक होता है। शुरुआती दौर में इसका असर लीवर पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, तो यह न्यूरो सिस्टम को भी प्रभावित करता है। कैसे चल रहा है टमाटर? अभी 13 रुपया चल रहा है। 13 रुपया चल रहा है, फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं? ये अभी दवाई मार रहा है। उसे क्या फायदा हो रहा है दवा मारने से? लाल करने के लिए। लाल करने के लिए मार्केट में अच्छा दाम मिले। क्यों लाल करते हैं? जल्दी दवाई मारेंगे, केमिकल तो नहीं पकेगा। अच्छा, दवाई बिना दवाई मारे नहीं पकेगा। अच्छा, इसलिए दवा मार रहे हैं। तो उसमें टमाटर का क्या होता है फायदा? टमाटर खूबसूरती बढ़ जाता है, लाल होता है, वही नहीं करता है। ऐसे जो है ना, अभी कच्चा है, वजन नहीं है, तो उसमें वजन भी आ जाता है, रंग पकड़ता है तो वजन नहीं आएगा। अच्छा, तो नुकसान भी करेगा ना लोगों को? नहीं, खाएगा तो नुकसान है, केमिकल है तो नुकसान करेगा ना? नहीं, कुछ नहीं। अभी उसमें दवा दिए ना, तो कुछ तो नुकसान करेगा ना? कुछ नहीं, रंग पकड़ा, नुकसान कुछ नहीं होगा। केमिकल तो नुकसान करता है। नहीं तो वो अभी दवा इसमें मारेंगे तो अभी खाएंगे तो कुछ नहीं होगा। अभी खाएंगे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपका परिचय? अखिलेश कुमार। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वाणी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल, ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता, सबसे अच्छा विवाह भवन। महिलाओं के बीच विवाद का मामला पहुंचा थाना, दोनों पक्षों से प्राथमिकी दर्ज। रंगरा चौक प्रखंड के भवानीपुर गांव में 2 महिलाओं के बीच विवाद और मारपीट का मामला रंगरा थाना पहुंच गया है। घटना का कारण मामूली विवाद बताया जा रहा है। घटना की बाबत बिजली देवी ने सरिता देवी और अन्य पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ सरिता देवी ने भी बिजली देवी समेत उसके परिजनों पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। 35 लीटर देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार। रंगरा के उसरहिया बहियार में रंगरा पुलिस ने छापेमारी कर 35 लीटर देशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने मौके से ही शराब कारोबारी उसरहिया निवासी मुकेश मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की थी। गिरफ्तार युवक को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि मामले की प्राथमिकी रंगरा थाने में दर्ज कर ली गई है। मास्क नहीं पहने 15 लोगों को देना पड़ा ₹750 जुर्माना। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर मास्क जांच अभियान चलाया है। इस बाबत थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मास्क जांच अभियान में मास्क नहीं पहने 15 लोगों से कुल ₹750 जुर्माना वसूल किया गया है। आ-
आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हेतु जीएस न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।